गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल हेल्दी पेट्स माई सेल्फ स्पेशली। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा डॉग डेंटल केयर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि जो डॉग्स होते हैं हमारे, छोटे पपीज होते हैं या एडल्ट डॉग होते हैं, उनके माउथ से कभी कभार ऐसे गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, जो हमें बहुत परेशान करती है, बहुत इरीटेट करती है। डॉग जैसे हमारे पास आता है तो हम उससे थोड़ी सी दूरी बनाने लग जाते हैं, जिससे हमारे और डॉग के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाता है, थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में आपका सोल्यूशन बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप आज का पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इजीली हर शॉप पे, पेट शॉप पे आपको इजीली डेंट स्टिक्स आती है, टूथपेस्ट वगैरह आते हैं, और भी कई अभी जैसे लिक्विड फॉर्म में आ रही है, मैं आपको बता दूंगी वो कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है मार्केट में। और रिसेंट में जैसे मेरी डॉग के साथ जब भी ये प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उसे डेंटल स्टिक्स देती हूँ। और अभी मतलब न्यू ही मैंने, अभी मैं रिसेंट में उसके लिए शॉपिंग करने गई थी तो मैंने देखा था वहाँ, तो मुझे उसके लिए एक और चीज़ मिली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं जैसे कि ये डबल ब्रश है, ये अभी मैंने देखा डॉग शॉप पे। वैसे तो मैं उसे डेंटा स्टिक्स देती थी बट ये मुझे नया मिला है, तो आज देखते हैं मेरी डॉग के ऊपर ट्राई करके कि उसको कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसा लगता है। और वैसे तो ये मिंट फ्लेवर में है तो अच्छा ही है, ये आप देख सकते हैं डूल का है, और भी सारी कंपनीज में अवेलेबल होता है। आपको जो पसंद हो, आपके डॉग को जो पसंद हो, आप उसके हिसाब से उसे प्रेफर करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी मेरी डॉग को मैं खिला के दिखाती हूँ आपको। इससे क्या होता है ना, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं ऐसे ये डबल ब्रश आती है। आप इसको डॉग को दे देंगे, डॉग अपने आप ही इसे चबाने लगेगा, और चबाते चबाते ये पूरा खा भी जाएगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सारे उससे बना हुआ रहता है, और मिंट फ्लेवर है, तो आप तो जानते ही जो भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए, हमारे डॉग्स के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी मिंट अच्छा ही होता है। सो आज मैं ये ट्राई करके देखती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, ओके। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, वैसे तो जैसे टूथपेस्ट आते हैं, बहुत से कंपनियाँ डॉग्स के लिए स्पेशली बनाती है, और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, बट टूथब्रश का बहुत थोड़ा एफर्ट समय लगाने पड़ते हैं, तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगता, मेरी डॉग भी थोड़ी परेशान होती हैं, तो उससे बेस्ट मुझे यही लगता है। तो आप डेंटल स्टिक्स ले सकते हैं, बाकी ऐसे ब्रशेस आती है डबल ब्रश, ये ले सकते हैं, और भी कंपनी इसके जो भी हो आप ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे मेरी डॉग को ये कैसा लगता है, और चलिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी डॉग को बहुत पसंद आया, उसने आधा इसको ख़त्म भी कर लिया है, अब आधा बचा है, मैं इसको रख देती हूँ। और आपका डॉग अगर पूरा खा रहा है तो आप पूरा दे सकते हैं उसे, या फिर डबल ब्रश आती है तो एक ब्रश से दे सकते हो और दूसरी ब्रश आप बाद में दे सकते हैं, ये जैसे मेरी डॉग लेना चाहती है तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है अब इसके मुँह से, इतनी अब इसके आप देख सकते हैं, इसके टीथ भी थोड़े से जैसे जैसे ये खाती रहेगी साफ लगेंगे, आप देख सकते हैं।
सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो तरीका है डेंटा स्टिक्स या फिर ये जो डबल ब्रशेस आती हैं, इस टाइप की ब्रशेस आती हैं, वो उससे डॉग के माउथ को क्लीन करने का, उनके टीथ को क्लीन करने का बहुत ही ईजी वे है। अगर आप जैसे ब्रश करवाते अपने डॉग को, तो डॉग भी थोड़ा सा नाटक करता है ब्रश करने में, हमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसको पकड़ना पड़ता है, कई बार बहुत ज़्यादा हमारे दांत लग जाते हैं या फिर डॉग्स के गम्स में थोड़ा सा ब्रश लग जाता है तो गम्स ब्लीडिंग होने लग जाती है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा मुझे ये तरीका लगता है, इसीलिए मैंने आज का वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, अगर आपके डॉग के साथ भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, उनकी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे भी मैं बहुत जल्द वीडियोज़ लाने वाली हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।